हेलो एवरीवन, दिस इज रितेश नानवानी। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज है 27th फेब, संडे है। नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए, कल मंडे के लिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहां पर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, अभी आप यहां पर मार्केट को समझना पड़ेगा आपको कि मार्केट पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट के बेस पे चल रहा है, चार्ट्स के लेवल्स फॉलो नहीं हो रहे, फिर भी हम चार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी के वन डे कैंडल्स में मैं अभी यहां पर हूं। निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम देख के आप निफ्टी को यहां पर जज नहीं कर सकते। वन डे टाइम फ्रेम इतना कंफ्यूजिंग है, एक बड़ी सेलिंग आई, मार्केट ने 17400 का क्रूशियस लेवल नीचे ब्रेक किया, अगेन नेक्स्ट डे 4% की रिकवरी आ गई, निफ्टी बंद हुआ है हमारा 16650 पे। उसी जगह आप निफ्टी फ्यूचर्स की बात करेंगे, जो फ्राइडे के दिन एसजीएक्स निफ्टी में पूरे दिन ट्रेडिंग चलती है, तो यहां पर आप देखेंगे निफ्टी बंद हुआ है 16920 पे, मतलब 300 पॉइंट और ऊपर जाके बंद हुआ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि रिकवरी जो है बहुत बड़ी रिकवरी आ चुकी है। निफ्टी बंद हुआ है फ्राइडे के दिन 16900 पे। अभी हम ये देखते हैं, जहां से मार्केट गिरा था यहां पर तीन लेवल्स टेस्ट हुए थे मार्केट में, बार बार मार्केट यहां पर सपोर्ट ले रहा था, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बाद में मार्केट में गैप आया था। अब ये गैप का कौन सा लेवल है जहां से मार्केट ब्रेक करके नीचे आया था, तो ये लेवल है हमारे पास 16850 का लेवल, कौन सा, 16850 का लेवल। ये देखना है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो 16850 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा क्या, नहीं लिया, ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। अगर हम देख रहे हैं यहां पर फ्यूचर्स को देख रहे हैं तो 16900 की क्लोजिंग ऑलरेडी आ चुकी है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि 16850 का जो गैप फिल होने के बाद का रेजिस्टेंस था, निफ्टी ऑलरेडी फ्राइडे के दिन ऊपर जाके 16920 पे बंद हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये जो गैप आया था, ये गैप पूरा मार्केट फिल करके इस गैप के भी ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो चुका है, आपको ये समझना पड़ेगा, चाहे ग्लोबल सेंटिमेंट कितना ही नेगेटिव हो, पर 6% की रिकवरी के बाद में आपको मार्केट को थोड़ा बुलिशनेस साइड देखना पड़ेगा। एज ए इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर जो 2-4 दिन की ट्रेडिंग करते हैं, उनको तो मार्केट को कम से कम बुलिश व्यू में लेना पड़ेगा, पर क्या ये बुलिश व्यू के बाद हम बाय कर सकते हैं क्या, इसी लेवल पर ओपन होते, ये हमें देखना पड़ेगा। इससे पहले हम थोड़ा छोटे लेवल्स को, छोटे टाइम फ्रेम को, 15 मिनट को देखने से पहले हम यहां पर थोड़ा मंथली कैंडल को समझते हैं। मंथली कैंडल निफ्टी की यहां पर मैं ओपन करता हूं, तो आपको दिखेगा मार्केट यहां पर डबल टॉप बना के नीचे गिर सकता था, बड़ी गिरावट दिखा सकता था, ठीक है, बट मंथली कैंडल में मार्केट अभी बंद हुआ है 16600 के आसपास। इसका ब्रेकडाउन नीचे आता, मैंने आपको बताया था 16400 पे, पर जब हम फ्यूचर चार्ट देख रहे हैं तो 16920 के आसपास पास मार्केट अभी बंद हुआ है, और फरवरी मंथ की ये जो कैंडल है रेड वाली, इसको क्लोज होने में अभी एक और दिन, कल मंडे का दिन बाकी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मंथली कैंडल की सेलिंग तब कंफर्म होती है जब ये मंथली कैंडल नीचे 16400 के नीचे ब्रेक होती। डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न जो होते हैं उनका जब कंफर्मेशन कब होता है, जब नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग आती है। मंथली कैंडल में अगर हम निफ्टी को यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए बेयरिश देख रहे हैं, गिरता हुआ देख रहे हैं, तो यहां पर नेक लाइन का जो यहां पर लेवल है 16400 का लेवल, इसके नीचे मार्केट को क्लोज देना पड़ता या पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहां पर सेलिंग देख सकते हैं। पर फिलहाल इस जगह पे निफ्टी चल रहा है 16900, और मंडे के दिन क्या करता है, मंडे के दिन ओपनिंग क्या आती है, कौन सा ट्रेंड रहता है, उसी के बाद में डिसाइड होगा निफ्टी का एक ट्रेंड। सिंपली आप ये समझो कि ये वाली जो रेड कैंडल है यहां पर, यही रेड कैंडल अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर सिर्फ इतनी बनी है, ऐसी बनी है ये रेड कैंडल, क्योंकि 16900 तो ऑलरेडी आ चुका है, 16600 नहीं चल रहा है, 16900 के बाद में और गैप अप आ गया, मंडे को और बुलिश हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जो मंथली कैंडल फरवरी की क्लोज होगी, ये मार्केट में ऊपर बुलिश जाके क्लोज हो सकती है। मंथली कैंडल में भी हम मार्केट को बुलिश देख सकते हैं अगर मंडे को गिरावट नहीं आई, अगर मंडे को मार्केट 17000 से ऊपर सस्टेन कर गया या गैप अप दे दिया, या मंडे को मार्केट 17000 से ऊपर ही कहीं ना कहीं बंद हो जाता है, तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर नीचे का जो ये यहां पर डबल टॉप बना के नेक लाइन का ब्रेकडाउन आया, ये फेल हो जाएगा, मार्केट यहां से वापस से बुलिश हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की कैंडल डिसाइड करेगी कि उसको गिरना है कि उसको चढ़ना है, उसको इस लेवल को ऊपर ब्रेक करना है या नीचे ब्रेक करना है। मंथली कैंडल को आप समझ गए होंगे, मंडे की क्लोजिंग के बाद में मंथली कैंडल कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद में हम थोड़ा चार्ट्स को जज करेंगे। वीकली कैंडल ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुकी है यहां पर रेड में, पर नेक्स्ट डे की कैंडल, नेक्स्ट वीक की कैंडल में ऑलरेडी मार्केट 16900 जा चुका है। अभी मंडे की ओपनिंग डिसाइड करेगी कि वीकली कैंडल कहां पर ओपन होती है। जहां पर मार्केट बंद हुआ है निफ्टी 16920 पे, फ्यूचर बंद हुआ है, अगर 16920 या इससे ऊपर ही ओपन हुआ, मार्केट एक दो दिन के लिए तो आपको बुलिश दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसी जगह पे अब हम चलते हैं डेली कैंडल में, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हम यहां पर
चलते हैं 1 आवर कैंडल में कि हमारा ट्रेड कहां पर बनता है। एक्चुअली 1 आवर कैंडल में यहां पर मैं आपको कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ट्रेड लेवल्स को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए मैं एक डिस्क्लेमर डाल देता हूं, एज ए टेक्निकल एनालिस्ट मैं यहां पर सिर्फ चार्ट्स को देखता हूं। अगर चार्ट्स मुझे समझ में आएंगे, लेवल्स मेरे काम करेंगे, मुझे यहां पर दिखेगा ट्रेड बन रहा है, ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तभी मैं ट्रेड करूंगा। अगर चार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है ग्लोबल सेंटिमेंट के कारण चार्ट्स में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कैंडल्स गैप अप गैप डाउन में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग बनती है, तब मैं अपनी ट्रेडिंग को बंद कर देता हूं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हो, आप फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हो, आपको टेक्निकल बेसिस पे ही अपने ट्रेड्स को प्लान करना पड़ेगा। अगर टेक्निकल चीजें काम नहीं कर रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ट्रेडिंग से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लो। पर मेरे को अभी तक भी ये चार्ट्स थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं ग्लोबल सेंटिमेंट के न्यूज के बाद भी, इसलिए ही मैं आपके साथ भी ये चीजें शेयर कर रहा हूं। सिंपली यहां पर हमें एक ट्रेंड लाइन दिखेगी जहां पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कौन सी ट्रेंड लाइन है। निफ्टी कहां से गिर रहा था, निफ्टी इस लेवल से बार बार ऊपर के लेवल्स पे गिरावट दिखा रहा था। अभी हमारे पास ये एक ऊपर का ट्रेंड लाइन जोन है जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर कल मार्केट मंडे वाले दिन ऊपर ओपन होता है यहां पर, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड लाइन पे जब मार्केट आ रहा है तो मार्केट यहां पर क्या कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार सेलिंग दिखा रहा था, इधर से गिरा, वापस से ऊपर आया, ट्रेंड लाइन से गिरा, अगेन इधर से छोटा गिरा, बड़ी गिरावट, फिर वापस ऊपर आके यहां से एक और बड़ी गिरावट आ गई है। अभी मार्केट वापस इसी ट्रेंड लाइन पर 17,000 या 17,050 के आसपास इसी ट्रेंड लाइन पर आ जाएगा। निफ्टी ऑलरेडी बंद हुआ है 16,920 के आसपास, तो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस लेगी ये ट्रेंड लाइन। अभी ये ट्रेंड लाइन मंडे को 17,000 से 17,100 की रेंज है, 17,000 से 17,100, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट अगेन ऊपर आके इसी ट्रेंड लाइन के आसपास 17,000 से वापस नीचे गिरने की कोशिश करता है, तो हम सेलिंग ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहां पर 17,100 को वन शॉट में ऊपर ब्रेक कर देता है, तो एक अपसाइड मूव, फास्ट मूव आपको 18,000 तक भी निफ्टी दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं, एक महीने के अंदर अंदर। और यहां पर अगर हम नीचे के लेवल्स पे देखें, तो 17,000 पे रेजिस्टेंस लेके ये गिरता है, तो बाद में हम सेलिंग प्लान करेंगे। पर ये 17,000 पे आके अगर साइडवेज हो जाता है दो दिन, चांसेस आर वेरी हाई कि ये ऊपर निकल जाएगा। जब भी रेजिस्टेंस के पास में मार्केट होल्ड करता है, तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। और आप नोटिस करेंगे कि ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है, गिरावट भी दिखा रहा है, अगेन उसी रेजिस्टेंस के पास में मार्केट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक करके 17,100-150 के लेवल के ऊपर मार्केट बहुत ही अच्छा बुलिश हो जाएगा। तो हमारा मंडे का क्या प्लान रहना चाहिए, सबसे पहले जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो पूरा डिपेंड है मार्केट 16,900 से 17,000 के आसपास ओपन हो। जहां पर क्लोजिंग आई है वहां पर ओपनिंग होती है या उससे ऊपर ओपनिंग होती है, तो हमारे लिए मार्केट बुलिश है। अगर फिर से सैटरडे संडे कोई बैड न्यूज आ गई, मार्केट फिर से 400-500 पॉइंट नीचे खुल गया, तो ये पूरा एनालिसिस जितना हम आज कर रहे हैं ये किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। अभी अगर सेम क्लोजिंग आती है, सेम ओपनिंग आती है, जैसी क्लोजिंग आई है बुलिशनेस दिखा के 16,900 से 17,000 के आसपास, तो 17,000 हो जाएगा हमारे लिए, 17,000 से 17,100 ये रेंज हो जाएगी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस। अगर हमें अच्छी बाइंग करनी है, तो हमें बाइंग हमारी होगी 17,100 के ऊपर। 17,100 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो 17,250 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है। अगर ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप और भी दे देता है, 17,100 से ऊपर ओपन हो जाता है, तो वेट एंड वॉच रहेगा। अगर यहां पर मार्केट वापस से गैप डाउन दे देता है, तो अगेन कोई एनालिसिस नहीं है हमारे पास, फिर से हमारे लिए वेट एंड वॉच रहेगा। पर इसी जगह पे अगर मार्केट 16,900 जहां पर बंद हुआ है वहीं पर ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाके 17,000 ये जो ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको आप भी अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लेना। अगर यहां से वापस शूटिंग स्टार या कोई नेगेटिव कैंडल बना के गिरने की कोशिश करता है, तो हम इंट्राडे में इसको सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपली देखो, मार्केट जब गिरा तो अच्छे सेल ट्रेड नहीं दिए, गैप डाउन में दिया, फिर इंट्राडे में एक ट्रेड दिया। अभी मार्केट जब ऊपर गया, अगेन गैप अप दे दिया, इसके बाद में मार्केट SGX निफ्टी के अंदर वापस से ऊपर गया, तो वापस से मंडे वाले दिन गैप अप दे देगा। अभी गैप अप देने के बाद में मार्केट इतना फास्ट 7% की रिकवरी किया है, इसको रेजिस्टेंस को यहां से ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलने के लिए भी यहां पर रिट्रेसमेंट करनी पड़ेगी, साइडवेज होना पड़ेगा, या फिर छोटा सा करेक्शन दिखा के, जैसे ऊपर गया रेजिस्टेंस में छोटा सा करेक्शन दिखा के बाद में ये ऊपर निकलेगा। तो ये जो छोटा सा करेक्शन है ये आपको मंडे या ट्यूजडे को देखने को मिल सकता है। 17,000 या 17,100 के लेवल के आसपास वापस से थोड़ी सी शॉर्ट सेलिंग आ सकती है नीचे की तरफ, पर वो मार्केट को इतना बड़ा गिराएगी या नहीं गिराएगी वो मैं नहीं कह सकता, वो चार्ट डिसाइड करेंगे।
फिलहाल मार्केट मुझे बुलिश लग रहा है, पर रेजिस्टेंस 17,000 के आसपास छोटा सा रेजिस्टेंस लेके निफ्टी में 100-150 पॉइंट की गिरावट आती है तो हम उसको इंट्राडे में कैप्चर करेंगे। अदरवाइज 17,100 से ऊपर ही मार्केट निकल गया तो फिर मार्केट डायरेक्टली बुलिश हो जाएगा बिना रिट्रेसमेंट के भी। अभी मार्केट बुलिश हो सकता है क्योंकि मार्केट न्यूज के बेस पे चल रहा है, ठीक है। आप निफ्टी को समझ गए होंगे, ऑप्शन चेन हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको तो आप भूल ही जाओ। उसमें कोई डेटा अभी आपको नहीं दिखेगा ना ही समझ में आएगा। बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पर मंथली कैंडल को देखें तो मंथली कैंडल में हम थोड़े से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग आई थी 36,400 पे, निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 16,600 पे। निफ्टी 16,900 पे बंद हुआ है फ्राइडे वाले दिन एक्सजीएक्स निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी आप गैप अप प्रेडिक्ट कर सकते हो 36,400 से लेकर 37,000 के आसपास। बैंक निफ्टी आपको इतना गैप अप दिखा सकता है। निफ्टी में 300 पॉइंट का गैप आएगा तो बैंक निफ्टी में 700-800 हजार पॉइंट का गैप आना कोई बड़ी बात नहीं है, बाय एनी चांस अगर कोई बैड न्यूज नहीं आई है तो, ठीक है। अभी हम बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं कि 37,000 के आसपास अगर मार्केट में ये जो मंथली कैंडल है 37,000 या उसके ऊपर बंद हो जाती है तो ये नेगेटिव कैंडल जो इतनी अभी हमें रेड कैंडल दिख रही है, ये मंथली कैंडल मंडे को 28 फरवरी को क्लोज होगी और ये मंथली कैंडल जो है बुलिश हो जाएगी। सेम कैंडल्स को देखो ऐसे जज किया जाता है। अभी ये मंथली कैंडल है, कब क्लोज होगी? ये होगी 28 फरवरी को, फरवरी के मंथ के लास्ट डे पे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। अभी फरवरी मंथ का अगर जो लास्ट कैंडल है अगर ये इतना ऊपर जाके क्लोज देता है मार्केट 37,000 से ऊपर जाके क्लोज देता है तो ये जो कैंडल है ये कैसी क्लोज होगी? ये बुलिश कैंडल क्लोज होगी। अब बुलिशनेस मार्केट में हमें दिखाई दे रही है अभी तक जैसा मार्केट मूव किया है, पर इसी जगह पे अब हम वीकली कैंडल को देखें तो वीकली कैंडल में आप देखोगे यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर निकलेंगे। अगर बैंक निफ्टी 37,000 से ऊपर मंडे को क्लोज देता है तो बुलिश हो सकता है, नो डाउट, पर हमें बाय का करना है। आपको देखना पड़ेगा 37,500 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस ले लेगा। 37,000 के ऊपर अगर आपको ट्रेड मिलता है तो बैंक निफ्टी 37,500 तक जाएगा, छोटा बाय ट्रेड बन सकता है, पर 37,500 ऐसा लेवल है जहां पर रिट्रेसमेंट वापस नीचे की तरफ आ सकती है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जो बॉटम को पकड़ लिए 35,000 पर वो 37,500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? इसको थोड़ा सा जूम आउट करके अगर हम देखें तो 37,500 के आसपास हमारे को एक और लेवल दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट किया है तो हम देखेंगे 37,500 के आसपास, 37,600 के आसपास हमको यहाँ पर इस लेवल पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। मार्केट यहाँ से गिरा ऊपर गया, अभी इधर से वापस गिर के अगर ऊपर जा रहा है तो 37,500 जो ये लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मार्केट डायरेक्टली भाग रहा है 35,000 से, 35,000 से 37,500, 2,500 पॉइंट की मूवमेंट एक ही दिन में, उसके बाद में मार्केट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो आप समझ गए होंगे बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, सिंपली लेवल मैंने आपको बता दिया। वन डे कैंडल के अंदर आपको अभी भी चार्ट समझ में नहीं आएगा बैंक निफ्टी का भी, इसको भी हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। अगर सिंपल लेवल्स देखें हम तो 37,000 तक बैंक निफ्टी ऑलरेडी आ चुका है फ्राइडे मूवमेंट के बाद में, क्योंकि एक्सजीएक्स निफ्टी काफी ऊपर है। अगर 37,000 से और ऊपर ओपन हो जाता है तो ट्रेड नहीं बनेगा, 37,500 पे मार्केट फिर से रेजिस्टेंस ले लेगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 37,000 या 36,900 या 37,050 ऐसे लेवल्स के आसपास ओपन हो जाता है तो 300-400 पॉइंट का बुलिश ट्रेड एक और मिल जाएगा, मार्केट 37,500 पे जाके रुकेगा। अभी आपको कैंडल्स को देखना पड़ेगा 15 मिनट में, कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा है, कौन सा पैटर्न बना रहा है इंट्राडे के अंदर। जो चीज मैंने आपको थर्सडे वाली वीडियो में सिखाई थी कि मार्केट में 12 से 1 बजे तक के मार्केट को ऑब्जर्व करो, ऐसे मार्केट में उसी के बाद में ट्रेड करो, तो 37,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ के ऊपर अच्छा बुलिश, इधर से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे भी गिर सकता है। 37,500 पे मार्केट मंडे वाले दिन क्या करता है, कैसे लेवल टेस्ट होते हैं, 12-1 बजे के बाद गिरावट आती है या बुलिश पैटर्न बनाता है इंट्राडे में, ये सारी चीजें हमको मंडे को पता चलेगी। पर फिर से मैं आपको ये बात कहूंगा कि जितना भी एनालिसिस हम ये कर रहे हैं, थोड़े से लेवल्स देख रहे हैं, निफ्टी में 17,000 से 17,100, बैंक निफ्टी में 37,500, ये लेवल्स तभी काम आएंगे जब मार्केट जैसी बुलिशनेस दिखा के गया है। एक्सजीएक्स निफ्टी में फ्राइडे को 16,900 पे क्लोजिंग आई है, अगर वैसे ही ओपनिंग आती है, उससे और बुलिश ओपनिंग आती है, तभी ये लेवल्स काम करेंगे। अगर कोई वापस से बैड न्यूज आ गई, मार्केट वापस से 500 पॉइंट नीचे ओपन हो गया मंडे वाले दिन, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ये एनालिसिस बिल्कुल भी हमारा काम नहीं करेगा। दो ही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बैंक निफ्टी को यहाँ पर 15 मिनट में भी देख लेते हैं, 15 मिनट में तो वैसे भी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वन डे कैंडल में हम देखें तो बैंक निफ्टी ने यहां पर
फ्राइडे के दिन एक रेंज बनाई है, ये रेंज वापस से ऊपर होके 37,000 का टारगेट तो हमको दिख रहा है। अगर 37,000 पे दिख रहा है तो मैं कह रहा हूं आपको 37,500 तक का तो ट्रेड आपको अगेन मिल जाएगा। पर अगर मार्केट नीचे आ जाता है, क्या हो कि 37,500 पे ओपन ही नहीं हो, वापस से गैप डाउन आ जाए, तो गैप डाउन आने के बाद में आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ये 36,500 450 की रेंज बनी है जहां मार्केट साइडवेज हुआ है, ये 36,500 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, इधर एक रेंज बनाई, ये रेंज है, इसका रेजिस्टेंस लेगा 36,500 के आसपास। अभी मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 37,000, 37,000 ओपन होके वापस से गिरावट दिखा देता है, तो ये 36,500 जो ये फ्लैग की रेंज बन रही है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर जाएगी। नो डाउट मार्केट यहाँ पर बुलिश दिख रहा है, पर हम टॉप पर बाय नहीं करेंगे गैप अप आने के बाद, ना ही इंट्राडे में, ना ही पोजिशनल, थोड़ा सा नीचे आने देंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, थोड़ा सा ग्लोबल जो न्यूज आ रही है उससे मार्केट को पहले इफेक्ट होने देंगे, उसके बाद 12 से 1 बजे बाद या पोजिशनल भी रिट्रेसमेंट आने के बाद में ही हम बाइंग प्लान करेंगे। नीचे के लेवल पे बैंक निफ्टी में 36,400 से 36,500 पे बाइंग बन सकती है 36,300 का स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर के लेवल पे टारगेट है 37,500, 37,500 पे अगर सेल ट्रेड बनता है तो वहां पर शूटिंग स्टार या कोई नेगेटिव साइन देख के सेल कर सकते हैं। अगर बीच में 37,000 के आसपास है तो 37,000 के आसपास कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न देख के हम वापस से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, पर 37,000 पे सेल बिल्कुल नहीं करेंगे। सेल करना है तो रेजिस्टेंस 37,500 पे करेंगे, क्योंकि यहां से मार्केट ऊपर वाली जो ये ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट 37,400-500 पे रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, टेक्निकल चार्ट काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, फिर भी हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल लिए हैं, उनके बेस पर हम अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। आई होप आप सारे पॉइंट्स एंड लेवल्स समझ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।